कोटखाई में आज से लगभग 5-5.5 साल पहले ये गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ, ये घटना ने पूरे देश को आंदोलित किया था और पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक कोने में इसको लेकर बड़ा आक्रोश था। और इस घटना को छोटी सी वारदात बोलना, छोटी सी घटना बोलना, वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के लोग ऐसी मानवता के खिलाफ हुई घटनाओं को साधारण या छोटी घटना बोलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है इसका परिचय होता है। और रही बात आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से जब ये इसके बारे में पूछा गया कि भाई आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका क्या विचार है कि ये छोटी सी घटना है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। और कल ही मैं एक हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे नेता प्रतिपक्ष से कि आपके इसके बारे में क्या कहना है, लेकिन उन्होंने उस विषय को घुमाने की कोशिश की, उस विषय का जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष तो इसका जवाब दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोटखाई में जो गुड़िया कांड हुआ, कोटखाई के गुड़िया कांड से पहले हरोली की एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री थे, जो लोग अपराधी थे, जो लोग उसके लिए दोषी थे वास्तव में, उनको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया तो स्थानीय लोगों के खिलाफ पर्चे दिए गए, केस रजिस्टर्ड किए गए, और असली जो जिम्मेवार लोग थे, जो अपराधी लोग थे, उनको आज तक पकड़ा नहीं गया। तथ्यों को दबाने का, छुपाने का प्रयास किया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इनमें कोई नैतिकता नहीं है, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हैं। और नेता मैं फिर कह रहा हूं कि कोटखाई की गुड़िया से पहले हरोली की गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था, मुकेश अग्निहोत्री ने आज तक उसके बारे में कभी अपना बयान नहीं दिया है। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को जिम्मेवार होना चाहिए। और आज अगर कांग्रेस पार्टी का इतना पतन हो गया है, आज एक प्रदेश, दो प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बची है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, अगले साल वो भी चली गई, महाराष्ट्र में चली गई है। उसके पीछे बड़ा कारण यह है, आज भारत के लोग, देश के लोग को, सभी प्रांतों को कांग्रेस मुक्त जो करने जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ऐसे संवेदनहीन, गैर जिम्मेवार जो इनकी बयानबाजी है या व्यवहार है उसको लेकर है। सर, अभी जो हेलीकॉप्टर के मामले को लेकर के जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि नेता विपक्ष, स्थानीय विधायक भी हैं हरोली से, उनकी भाषा शैली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आपत्ति कर रही है? मैंने 3 दिन पहले एक वक्तव्य दिया था, एक ऐसे प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि जिस प्रकार की सड़क छाप मवालियों वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बंद करें। और मैंने ये भी कहा था कि हमें जो व्यक्ति ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में सब जानकारी हमारे पास है, ऊना से शिमला तक, तो बात करेंगे, बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं जाना चाहते हैं जिस स्तर पर वो चले गए हैं। इतना ही नहीं, आप देखते हैं कभी अपने वक्तव्य में एक भाषण कर रहे हैं, उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को सालों बोल रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, कभी एक वक्तव्य में किसी कार्यकर्ता को नाई बोल रहे हैं, कभी हलवाई बोल रहे हैं। तो ये इनकी वैसे फ्रस्ट्रेशन है। ये मुख्यमंत्री के बारे में आए दिन इतनी कटुता नेता प्रतिपक्ष के मन में है, उसका सबसे बड़ा कारण संदीप जी ये है कि 4.5 सालों में मुख्यमंत्री जी लगातार हरोली आए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने हरोली को बहुत कुछ दिया है। मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री थे, 300 कनाल का एक इंडस्ट्रियल एरिया बना हरोली में, सिर्फ 300 कनाल का बड़ौगा में, वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था वो। लेकिन इन 4.5 सालों में हिमाचल प्रदेश में 40,000 कनाल का नया इंडस्ट्रियल एरिया हमने विकसित किया, जहाँ उतनी लैंड डेवलप की है, इंडस्ट्री के नाम 40,000 कनाल लैंड दी है जहाँ प्रोजेक्ट आएंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, फख्र की बात है। और 40,000 कनाल में से 20,000 कनाल जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो लैंड है, वो हरोली में चिन्हित की है, सारे प्रोजेक्ट यहीं आएंगे। आज हरोली में सड़कों का कायाकल्प हुआ है, आज जल जीवन मिशन में, जब बिजली बोर्ड में ऐतिहासिक काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं कि मुकेश अग्निहोत्री उससे बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनको लगता है कि ये सारे काम मुख्यमंत्री यहाँ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ इतने काम क्यों कर रहे हैं, ये जो निराशा है
उसके कारण ऐसी अभद्र भाषा, असभ्य भाषा, मवालियों की भाषा, सड़क शाप भाषा नेता प्रतिपक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी हताशा का परिचायक है।